कवर्धा सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुटगांव के नाले में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सहसपुर लोहारा पुलिस ने शव को देखने के बाद हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या के आरोप में संतोष दुबे और नानू मरकाम को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक ओमकार वर्मा निजी काम से कुटगांव आया हुआ था। इसी दौरान आरोपी संतोष ढुरवे से कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी संतोष ने आवेश में आकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे ओमकार की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ती गई स्थिति बिगड़ती गई और इससे आवेशवश संतोष ध्रुव के द्वारा प्रहार करके ओमकार वर्मा को मार दिया गया और उसे उसकी डेड बॉडी को छुपाने की नियत से उसको लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित एक नाली के पास में फेंक दिया गया। इस पूरी घटना क्रम के बारे में जब मृतक के परिजनों ने गुम इंसान कायम करवाया था और जो सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। लगातार बॉडी को खोजने का प्रयास भी किया गया था और इस पर थाना लोहारा में धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया। इस अपराध में शामिल दोनों ही व्यक्ति संतोष ध्रुव और नथुराम मरकाम को हिरासत में लिया गया है और वर्तमान में इसमें अग्रिम कार्रवाई।